ओके, तो ऑप्टिक्स का लेक्चर जो है वो कंटिन्यू है, पार्ट वाइज बटा हुआ है, प्लेलिस्ट में है, यूट्यूब के मेरे प्लेलिस्ट में है, तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके ऑप्टिक्स के लेक्चर सबको देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लें, है ना, और अपने दोस्तों को भी भेजें। आप लोगों को नए क्रिएटर्स को, नए टीचर्स को सपोर्ट करना चाहिए, है ना, ताकि हम लोग भी आएँ, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं, 100% दे रहे हैं अपना YouTube के लिए, आप लोगों के लिए, फ्री पढ़ाने के लिए। अभी क्या हो रहा है, ऑनलाइन जो हो रहा है, बहुत लोगों को फ्री में पढ़ाई मिल रही है। आप लोगों को नए क्रिएटर्स को सपोर्ट करना चाहिए, है ना। मैं खुद की बात नहीं कर रहा हूँ, आप किसी भी नए क्रिएटर को देखें, आप अगर उसका काम अच्छा लग रहा है, आपको उसकी वीडियोज़ पसंद आ रही है, तो आप उसको शेयर करना, उसको प्रमोट करना ना भूलें। आजकल क्या हो रहा है, YouTube एल्गोरिथम के थ्रू काम करता है, AI सिस्टम जो है एल्गोरिथम से काम करता है। मेरे वीडियोस में अगर वॉच आएंगे, वॉच टाइम अच्छा रहेगा, है ना, लोग वीडियो में टाइम ऑफ रिटेंशन अच्छा रहेगा, लोग वीडियो को आखिर तक देखेंगे, तभी वीडियो जो है वो ग्रो करेगी। और ग्रो करने के लिए आप लोगों को क्या करना है, आखिर तक देखना है। तो उसके लिए हम जो है क्वालिटी पे पूरी फोकस कर रहे हैं, कि आप लोगों का वीडियो की क्वालिटी में कोई भी कमी ना आए। लेकिन आप लोगों को भी क्या करना है, थोड़ा सा सपोर्ट दिखाना है, नया चैनल है ना। अगर आप लोग इस टाइम पे सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर नहीं गड़बड़ पाएगा, ऐसे ही रह जाएगा। तो ज़रूर करें किसी भी चैनल को, ठीक है। आते हैं वीडियो की तरफ। इम्पोर्टेंट पॉइंट्स ऑफ द स्फेरिकल मिरर। अब स्फेरिकल मिरर जो है दो तरह का होता है। इसके अगर जो वीडियो, इससे पहले वाला वीडियो नहीं देखा है ऑप्टिक्स का, ये इससे पहले वाला पार्ट, वो पहले पार्ट देख के आएँ इससे पहले वाला, तब ये वीडियो देखें, है ना। हम लोग कुछ इस तरह से, ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर है। क्यों कॉनकेव मिरर है, क्योंकि इसके उभरे हुए पार्ट पे पॉलिश से दबे हुए पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया गया है। इसके दबे हुए पार्ट को पॉलिश किया गया है, उभरे हुए पार्ट को रिफ्लेक्टिंग सरफेस बनाया गया है, इसीलिए ये कॉन्वेक्स मिरर है। क्या है, कॉन्वेक्स मिरर। दोनों के बीच से एक लाइन खींचते हैं, ये जो बीच वाला पॉइंट है ये पोल है। क्या है, इसको बोलते हैं, बीच वाले पॉइंट को पोल बोलते हैं। पी से, अगर इस तरफ आप लोगों को दिख रहा होगा तो पी से होता है पोल। एक मिनट, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कि ये साइड दिख रहा है कि नहीं। हाँ दिख रहा है, कम्प्लीटली दिख रहा है। तो पी से क्या है, पोल, ठीक है। ये जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर, कर्व मिरर भी बोलते हैं, ये किसी खोखले गोले का पार्ट है ना, किसी होलो स्फेयर का पार्ट है। होलो स्फेयर का जो सेंटर होगा, होलो स्फेयर का जो सेंटर होगा, ये मिरर के लिए सी से डिनोट करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मिरर के लिए क्या होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर। मिरर में इसको क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के बीच में एक पॉइंट होता है, जिसको एफ से डिनोट करते हैं, जिसको बोलते हैं फोकस। क्या बोलते हैं, फोकस। तो इस मिरर में भी होगा, है ना, इस मिरर का, इस ये मिरर भी किसी खोखले गोले से ही बना है ना। तो इसका जो सेंटर होगा वो सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। सेंटर और पोल के बीच का जो पॉइंट होगा उसको फोकस बोलते हैं, है कि नहीं। मिरर की जो लंबाई होती है, एक छोर से दूसरे छोर तक, एक छोर से दूसरे छोर तक जो मिरर की लंबाई होती है, उसको हम लोग बोलते हैं एपर्चर, ठीक है। ये जो सेंटर और पोल से लाइन जो गुजरी है, एक्स एक्स डेस, इसका नाम है प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल नहीं होता, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लेना है। कुछ चीज़ें और हैं, हम लोग जो है ना स्फेरिकल मिरर में सारे डिस्टेंसेज को पोल से नापते हैं। तो पोल से लेके फोकस के बीच के डिस्टेंस को स्मॉल एफ से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। सेंटर से लेके पोल तक के बीच के डिस्टेंस को हम लोग कैपिटल आर से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर।
ठीक है, यहाँ पे भी सेंटर से रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा, फोकस से ये जो फोकस वाला पॉइंट है यहाँ से स्मॉल एफ होगा, स्मॉल एफ होगा, स्मॉल एफ को क्या बोलते हैं, फोकल लेंथ, है ना, समझ आ रहा है। चलो, मिरर जिस खोखले गोले से बना है उसके सेंटर को बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, है ना, सेंटर और पोल के बीच के जो पॉइंट होता है, बीच का पॉइंट, उसको फोकस बोलते हैं, कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल तक के बीच के डिस्टेंस को कैपिटल आर से दिखाते हैं और उसका बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ, है ना। मान लिया इस मिरर पे, यहाँ मिटा देते हैं, एक शार्प बना के दिखाते हैं, इसको नोट डाउन कर लेना, इसको मिटा रहे हैं, वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना। चलो इधर ही लिखेंगे, यहाँ पे ये कौन सा मिरर है, कॉनकेव मिरर, वेरी गुड। ये पॉइंट पोल होगा, यहाँ पे कहीं सेंटर होगा, यहाँ फोकस होगा। मान लिया यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट रखे हैं, ठीक है, जिसका इमेज यहाँ पे कहीं मिल रहा है, इमेज फॉर्मेशन वगैरह हम लोग देखेंगे बाद में, ठीक है, जिसका इमेज यहाँ पे बन रहा है, ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये है इमेज, ठीक है। तो एफ से लेके पी तक के बीच का डिस्टेंस तो स्मॉल एफ, फोकल लेंथ, सी से लेके पी तक का डिस्टेंस कैपिटल आर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, ऑब्जेक्ट से लेके, ऑब्जेक्ट जहाँ पे है वहाँ से लेके पोल तक के बीच का डिस्टेंस को बोलते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसको यू से दिखाते हैं, यू मीन्स ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। इमेज जहां पे बना है वहां से लेके पोल तक के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं वी, और वी मीन्स इमेज डिस्टेंस, समझ आया। इमेज जहां पे बनेगा वहां से पोल तक के बीच के डिस्टेंस को इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट जहां पे रखा हुआ है वहां से पोल तक के बीच के डिस्टेंस को क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, समझ आया। ठीक है, आज के लेक्चर को यहीं पे रखते हैं, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।